तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग जंप टिप्स। हम ऐसे 3 टिप्स देखेंगे जिसके वजह से आपका जो लॉन्ग जंप है वो अच्छा जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टिप्स, दोस्तों अगर आप लॉन्ग जंप अच्छे से सुधारना चाहते हो, लॉन्ग जंप अगर आपको अच्छे से करना है तो हमें स्पीड वर्कआउट करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अगर दोस्तों आपको लॉन्ग जंप अच्छे से लगाना है तो हमें लॉन्ग जंप लगाने के लिए स्पीड की बहुत ज़रूरत है। अगर आप स्पीड से लॉन्ग जंप लगाओगे तभी आपकी लॉन्ग जंप अच्छी जाएगी। तो स्पीड के लिए हमें दोस्तों हमें ए बी से एग्जरसाइज करना चाहिए। वीक में एक या दो बार ए बी से एग्जरसाइज ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ए बी से एग्जरसाइज करते हो तो स्पीड से एग्जरसाइज करना चाहिए। अगर आप स्पीड से एग्जरसाइज करोगे तो आपकी जो लॉन्ग जंप है अच्छी से जाएगी और आपका स्पीड बढ़ेगा। उसके साथ आपको स्पीड के रैपिड्स लगने चाहिए। जो आप लॉन्ग जंप पे रनवे पे स्पीड लगाते हो तो उसके लिए हमें स्पीड से एग्जरसाइज करना चाहिए। उसके साथ आपको 30 या 40 मीटर रैपिड्स लगने चाहिए। आपको टाइम लगा के रैपिड्स लगने चाहिए, 30 मीटर 40 मीटर ऐसे रैपिड्स लगने चाहिए। इसके वजह से आपका लॉन्ग जंप में स्पीड बढ़ेगा और आपकी लॉन्ग जंप जाने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा टिप्स देखते हैं। फिर हमें उसके बाद दोस्तों जंपिंग ड्रिल्स करनी चाहिए। आपको लॉन्ग जंप अच्छे लगाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग जंप पिट में जाना चाहिए और जंपिंग ड्रिल्स ज़्यादा करनी चाहिए। जंप अगर हमें अच्छे से बढ़ाना है, टेक ऑफ अच्छे से लेना है तो हमें 2 स्टेप पर जंप लगाना चाहिए। सिर्फ 2 स्टेप पर इस तरह से हाइट को जाना है, उसके साथ लैंडिंग करना है। इस तरह से हमें 2 स्टेप 4 स्टेप इस तरह से जंप लगाना है और इसके वजह से आपका टेक ऑफ अच्छा जाएगा और आपकी जंप भी अच्छी जाएगी। उसके साथ हम कुछ जंपिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उसमें कुछ हनुमान जंप है, इस तरह से वर्कआउट है, उसके बाद जो हर्डल वर्कआउट है, ये सभी वर्कआउट दोस्तों आप कर सकते हैं। इसके वजह से भी आपकी जंप बढ़ेगी। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो उसके वजह से आपका जो टेक ऑफ है वो भी अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट टिप्स है, वो थर्ड टिप्स है, हमें लैंडिंग अच्छा करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग जंप अच्छा लगाते हो तो दोस्तों ठीक है, आपका स्पीड अच्छा जाता है, फिर भी ठीक है। टेक ऑफ अच्छा लगाते हो फिर भी ठीक है, लेकिन लैंडिंग अच्छा करने के लिए आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप लगाना चाहिए। अगर आप खड़े खड़े लैंडिंग करते हो तो आपका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। आपको ट्राई करना है कि आप नीचे किसी के लिए और आपको अच्छे से आर्च करके वक्त उसके बाद लैंडिंग अच्छा करना चाहिए। उसके लिए आप ब्रॉड जंप लगा सकते हो। उसके साथ 2 स्टेप पर 4 स्टेप पर जंप लगाते वक्त आप सिर्फ लैंडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और ये जो ब्रॉड जंप है वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ब्रॉड जंप की आप 7 या 8 सेट लगा सकते हो। इसी तरह से आपको वर्कआउट करना है और इस टिप्स को अगर आप अच्छे से अपनाते हो तो आपका जो लॉन्ग जंप का लैंडिंग है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से आपको वर्कआउट करना चाहिए।